हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सब बढ़िया हो गए। सो गाइस मैं हूँ एक व्हाइट टाइगर। सो गाइस हम सिर्फ ठंड में निकलते हैं। सो गाइस आसपास तो देखो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, आई मीन बहुत ज़्यादा बड़बड़ा है। सो गाइस ना हर सुबह हम आके ना इस पत्थर के नीचे बहुत टाइम से खड़े रहते हैं। सो गाइस मुझे पता नहीं है क्यों हम सब सारे एनिमल इस पत्थर के नीचे ऐसे खड़े रहते हैं। सो गाइस आज हमारे राजा से पूछ लेते हैं क्यों हम सब ऐसे खड़े रहते हैं। देखो गाइस और हमारा राजा, हेलो लायन किंग, और हम सब हमेशा क्यों इस पत्थर के नीचे खड़े रहते हैं बहुत टाइम से, इसका मतलब क्या है? अरे छोटे टाइगर, बहुत टाइम पहले ये इलाका डायनासोर का रहता था। बहुत टाइम पहले उसकी बीच में आया था एक सिक्स टेल फॉक्स, मतलब छह पूंछ था उस फॉक्स का रे टाइगर। उसके बाद सिक्स टेल फॉक्स मतलब हमारा पूर्वज बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उसने उस डायनासोर से उनका जगह छीन के हमारे लिए रहने के लिए जगह बना दिया, इसलिए हर सुबह हम सब आके उनका प्रणाम करते हैं। ओ भाई साहब, ये तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन है। वो सिक्स टेल फॉक्स भाई क्या ही खतरनाक होगा, मतलब उसने डायनासोर को हरा दिया। भाई साहब मैं तो सोच के भाई पागल हो रहा, भाई इतना स्ट्रॉन्ग। अरे टाइगर फटाफट चलना, व्हाइट टाइगर चलना खेलते हैं। अरे फटाफट चल खेलना, मजा आएगा। अरे बड़प में खेलेंगे या जम करेंगे, चलना फटाफट। हाँ चल, अरे जग फटाफट चल, आज खेलेंगे भाई, आज ना मजा आ जाएगा भाई। आज तो भाई बहुत ज्यादा बड़प गिरा है। हाँ याद से ज्यादा दूर मत जाना, जब तूफान आएगा ना तुम रास्ता भी भटक सकते हो। अरे लायन किंग आप चिंता मत करो, हम टाइम पे यहाँ पे आ जाएंगे। अरे जग्गू फटाफट आ, वहाँ पे क्यों रुका है, फटाफट आ, आज भाई जम के खेलेंगे। कहाँ पे गया रे तू, फटाफट आ जा। सो गाइस ना यहाँ पे भाई क्या ही बर्फ गिरा है, देखो गाइस हर दूर दूर तक कहीं बर्फ बर्फ गिरा है और सारे पेड़ के ऊपर भी बर्फ है। भाई क्या ही लग रहा है, एकदम बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अरे जग्गू कहाँ पे गया तू यार? तू हमेशा क्या जोर जोर से ऐसे दौड़ता है यार। अरे रुक रुक मैं भी आता हूँ, तू हमेशा कहीं भाग के चला जाता है यार। सो इसको गाइस ना प्याज की आंख आ गया। सुन देख, दूर में देख एक ट्री देख रहा है ना, दूर में जंगल, उस फॉरेस्ट तक जो पहले पहुँचेगा वो ही जीतेगा। ओके ओके या तेरी मैं चला। अरे रुक मेरे को तो काउंट तो करने दे, हट यार उसने चीटिंग किया। चलो गाइस मेरा तो उसको पीछे छोड़ दिया। अरे तुम जो भी कर ले भाई, मेरे को नहीं पकड़ सकता भाई। मैं फटाफट जाके वो फॉरेस्ट में छू लूंगा, उसके बाद मैं ही जीत जाऊंगा भाई। मैं तो इस फॉरेस्ट में आ गया भाई साहब, ये पेड़ को मैं फटाक से एकदम टच कर देता हूँ यार, भैंस की आंख। चलो गाइस मैं तो यहाँ पे पहले आ गया। अरे जग्गू तू तो पीछे छोड़ गया यार, तू कैसे तेज बनेगा? एक मिनट गाइस क्या हो गया भाई, हमने तो इतना भाई ध्यान नहीं दिया भाई, अभी क्या जोर से तूफान आ गया। अरे जग्गू यार ये तो हर जगह भाई भाई हर जगह तो पूरा कोड़ा कोड़ा हो रहा है गाइस, कहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे जग्गू हम कौन से रास्ते पे यहाँ पे आए थे याद है, कौन से साइड से? अरे यार तूने मरवा दिया यार। भाई अब तो क्या काम से, अरे लायन किंग ने बताया था तूफान भी आ सकता है, हम तो रास्ते भटक गए भाई, कहाँ से आए थे हम? आई थिंक गाइस हम राइट साइड से आए थे क्या लेफ्ट साइड से, भाई हर जगह तो भाई इतना कोड़ा कोड़ा हो गया भाई, अब तो जाएंगे कैसे घर? अरे हर मेरे को याद आ गया, फटाफट आ जा जग्गू, हम लोग इस साइड से आए थे, नहीं इस साइड से आए थे, नहीं इस साइड से आए थे लगता है। अरे मेरा भी दिमाग घूम रहा है भाई, कौन से साइड में आए थे भाई, इतना जोर से तूफान क्यों चल रहा है भाई, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत टाइम से कुछ का शिकार नहीं किया, सुबह से कुछ निबाला नहीं गया मुंह में। किसी को दबोच खाने के लिए कोई शिकार भी नहीं मिल रहा। अरे पंटल लोग कोई शिकार फिकार है क्या, बोलना, दबोच खाने का मन है वो भी रसमलाई लगा के। अबे यार अब क्या होगा, हम लायन किंग के पास कैसे जाएंगे, हम हमारे घर में कैसे जाएंगे, मेरा मम्मी मेरे को ढूंढ रहा होगा यार, तूने बहुत बैंड बजा दिया। एक मिनट वहाँ पे कौन बंदे है? अरे ये हेलो कौन वहाँ पे है, एक मिनट लगता है कौन वहाँ पे है, मैं फटाफट जाके पूछता हूँ, वो लगता है हमारा हेल्प कर देगा। अरे टाइगर मेरे पीछे आ रहे, सिम्बा टाइगर फटाफट आ जाना मेरे पीछे। एक मिनट वो भी कहाँ पे गया, एक मिनट ये सब कौन है लोग? अरे बंटल लोग कौन आया है देखो। अरे यार दोस्तों आप क्या मुझे उस टाइप का रास्ता बता सकते हो लायन किंग का, जहाँ पे लायन किंग रहते हैं? हम तो रास्ता भटक चुके हैं यार, इसलिए प्लीज बता दो ना, हम घर जाएंगे यार। जरूर बताएंगे जरूर बताएंगे, हम तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे है, अभी रसमलाई लगाएंगे, मजे आ जाएगा यार। कौन आ गया देखो, इतना मशक्कत करने के बाद निवाला आ गया। अरे यार आप क्या मेरा हेल्प करोगे, मेरा दोस्त भी पीछे है, वो भी रास्ते भटक चुके हैं, हम दोनों गलती से यहाँ पे आ गए, बुरा सही जगह पे आए हैं आप सब लोग। अरे पंटन लोग इतना काय लेट कर रहे हो यार, रसमलाई लगा के। एक मिनट गाइस ये तो गोलू का आवाज है, अरे गोलू कहाँ पे गया, अब तो मेरे साथ था। हट यार एक कभी भाई बात नहीं सुनता भाई, मेरे को बताया नहीं कहाँ पे चला गया, अब गाइस कहाँ पे ढूंढूं मैं उसको, हट यार
भाई ये कौन सी जगह है उल्टा भाई, मेरे को तो कुछ नहीं पता चल रहा है। गोलू तू कहाँ पे गया, एक मिनट, वहाँ पे तो भेड़िया लोग है भाई, भेड़ियों के पास क्या कर रहे हो? भेड़िया तो बहुत खतरनाक होते हैं भाई, ये तो कभी बात नहीं सुनेगा। अरे गोलू वहाँ से भाग, पड़ पड़ने तो तेरे को खा लेंगे। अरे यार भैंस की मैं जा रहा हूँ, बहुत खतरनाक है, मेरे को बहुत जोर से मारा। अरे कहाँ पे जा रहे हो टिल्लो डार्लिंग, गोलू डार्लिंग? अरे क्या कहा से है गाइस, मेरे को बचा लो यार। अरे सिम्बा मेरे को बचा यार, व्हाइट टाइगर तू है ना, तू बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, गा बचा। मैं यहाँ काम से यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान है, वहाँ पे तो मेरा दोस्त अकेला रह गया। अरे उनको क्या कुछ कर देगा, एक मिनट। अरे सिम्बा, अरे मैं आ गया। अरे सिम्बा, अरे अरे सिम्बा फिर से मेरे पीछे है सब। अरे अब लगा लो रसमलाई, लगा के खा लो साले को। अरे यार मेरे लिए फिर से वापस आया, फिर से भेड़ियों के सामने आ गया। शिट गाइस, अब फिर से भाई, अब कैसे उसको बचाऊं? चलो गाइस फिर से उसके पास जाते हैं। भाई वो एक नंबर का निकम्मा है भाई, मैंने उसको भाग जाने के लिए कहा। अरे फटाफट मेरे दोस्त के सामने सट जाओ, ये तो मार दूंगा भैंस की आँख, फट जाओ फटाफट। अरे आज दोनों को खाएंगे। अरे फटाफट गोलू पीछे, मेरे पीछे फटाफटा, नहीं तो भाई मार देंगे दोनों को फटाफटा। अरे यार मेरे को तीनों मेरे पीछे पड़ गए, तीनों भेड़िया खाई में तो क्या काम से भाई साहब, अब तो भाई कोई नहीं बचा सकता दोनों को। अरे यार तो तीनों भाई बहुत ज्यादा गंदेरा पीछे पड़ गए। अरे अरे गोलू तू तो दूसरे रास्ते पे भाग, मैंने दूसरे साइड पे चला जा। हाँ यार फटाफट दूसरे, इसके अंदर चला जाता हूँ, इसके अंदर। हाँ मैं आ गया इसके अंदर। अरे फटाफट, अरे टाइगर सिम्बा यहाँ पे आ जा। हाँ मैं इसके अंदर आ गया यार। हाँ मतलब यहाँ पे कोई है, अरे बचाओ, भेड़िया मेरे पीछे पड़ गए हम दोनों के। अरे कौन आया रे? अरे कोई है, एक मिनट, ये तो भेड़ियों के घर है। अरे ओ खुदा बावड़ निकला चुईया। अरे किसके घर में आके हेल्प मांग रहा था भैंस की निकलने से, अरे खा ले तो पूछ के। भाई क्या काम से, अभी तक भाई तीनों भेड़िया मेरे पीछे नहीं छोड़ रहे भाई, मैं कब तक ऐसे भागूंगा। चलो गाइस मैं फाइनली लगता है मेरे मुल्क पे आने वाला हूँ। भाई मैं बहुत टाइम से भाग रहा हूँ भाई, मेरा भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया भाई, तीनों भेड़िया बहुत टाइम से भाई मेरा पीछे कर रहे। अरे लायन किंग कोई है यहाँ पे? अरे गिर गया रे। अरे यार मुझे फटाफट ढूंढना पड़ेगा गाइस, नहीं तो मैं मर जा सकता हूँ भाई। तीनों भाई पांचों की हाई स्पीड में आ रहे हैं यहाँ पे, मैं जैसे करके मुल्क पे तो आ गया। मेरे मुझे फटाफट लायन किंग के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो गाइस वो भेड़िया भाई यहाँ पे आ जाएंगे। अरे लायन किंग आप कहाँ पे हो? लायन किंग, अरे लायन किंग कहाँ पे हो आप? ये रहा लायन किंग। अरे लायन किंग यहाँ पे भेड़िया आ चुके हैं, उसने मेरा पीछा किया था और मेरे दोस्तों को भी बहुत ज्यादा गंदेरा पीछा किया है, फटाफट वहाँ पे चलो। क्या बात कर रहा है तू? भेड़िया लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? हाँ भेड़िया लोग क्या जी? हाँ मैं उनको सभी अभी सबक सिखा देता हूँ। हाँ साले से डील हो गया था। हाँ भेड़िया तुम कहाँ पे हो? अरे भाग भाग, अरे भाग, वो लायन किंग आ गया। अरे पंडित लोग भाग, स्पीड में भाग, नहीं तो साले दबोच के खा देगा, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अरे भाग रहे भेड़िया पंडित लोग, भाग अगली बार वहाँ पे देखा ना, दबोच के खा लेंगे रसमलाई लगा के। हाँ इस बार के लिए यहाँ से भाग दे। अरे यार भाई लायन किंग का पावर कितना खतरनाक है भाई, देख के डर के मारे से भेड़िया लोग भाग गए भाई साहब। अरे लायन किंग, अरे मेरे दोस्त को जा, गोलू जो दोस्त है मेरा उसको भेड़िया लोग ने पकड़ लिया है, प्लीज प्लीज जाके वहाँ पे चलो, उसको फटाफट बचाना है, नहीं तो मेरा एक ही दोस्त है, बहुत ज्यादा गंदा सीन हो जाएगा, उसके साथ कुछ भी कर सकते भेड़िया लोग। हमारा और भेड़िया के बीच में एक डील हुआ था, कोई भी उनकी जगह में नहीं जा सकता। आज तुमने डील तोड़ दिया, तुम दोनों ने वो डील तोड़ दिया, तुमको ही जाके तुम्हारे दोस्त को बचाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मेरे गांववासी को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता। तुमने ऐसा किया है तो तुमको ही सब ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद तुम बनोगे का असली व्हाइट टाइगर। भाई ये तो बहुत ज्यादा गंदा सीन हो गया, पहले तो गाइस गोलू को बहुत ज्यादा गंदेरा भेड़िया लोग ने पकड़ लिया है, और दूसरी बात भाई लायन किंग हमारा मदद नहीं कर रहा भाई साहब, आप तो यहाँ के राजा हो, आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा हम दोनों की मदद? भाई अब क्या करूं, लायन किंग ने मदद करने से मना कर दिया। अब गाइस भाई मैं तो इतना भी पावरफुल नहीं हूँ मैं खुद का मदद कर पाऊँ। सो गाइस लायन किंग ने पूरा मना कर दिया मदद करने से। सो गाइस मैं तो इतना भी पावरफुल नहीं हूँ जाके मैं मेरे दोस्त को बचा पाऊँ। सो गाइस उसके लिए मैं फिर से वो फॉरेस्ट पे आ गया। चलो गाइस इस बार ना तूफान नहीं चल रहा, अब तो सही है, फिर से मैं घर जा पाऊंगा। अरे गोलू, अरे मेरी बात सुन रहा है? अरे गोलू एक बार जवाब दे। अरे दोस्त गोलू, भाई मैं तो उसको बहुत टाइम से आवाज दे रहा हूँ तो बात ही नहीं सुन रहा, लगता है गाइस उसको कुछ ना हो जाए। अरे गाइस मैं तो बहुत जोर से गिर गया, मेरा चोट भी लग गया, पैर में थोड़ा चोट भी लग गया। अरे गोलू आवाज सुन रहा है क्या मेरा? मैं सिम्बा बोल रहा हूँ यार, अब गाइस मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अरे गोलू गाइस अब तो क्या होगा, गोलू को तो मुझे बचाना ही पड़ेगा, लायन किंग ने मना कर दिया तो बचाने से।
भाई कोलू भाई कोई तो है, मेरी मदद कर दो, मेरे दोस्त को तो बचाना है। अरे कोई है यहाँ पे? अरे गोलू, अरे कोई जंगल, कोई तो मेरी मदद कर दो। एक मिनट, यहाँ पे क्या चल रहा है? मेरे पैर में लग गया रे, बचाओ बचाओ। एक मिनट गाइस, ये तो एक फॉक्स है, इसका क्या हुआ भाई? इसका हालत तो बहुत ज्यादा खराब है भाई, खून भी निकल रहा है पैर से। एक शिकारी ने मेरे पैर में अटक कर दिया था, अटक करने के बाद मेरा पैर का हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। हाँ, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? सो गाइस, इनका हालत तो बहुत ज्यादा खराब है और मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूँ मैं इनका मदद कर पाऊँ। सो गाइस, मुझे इनको जैसे हेल्प करना ही पड़ेगा, ये तो दर्द के मारे एकदम तड़प रहे हैं। गाइस, इनका हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है, मैं कुछ टाइम बाद ही मर सकता हूँ, जल्दी से कोई हेल्प को मांग, कोई किसी से हेल्प मांग के ले आओ, नहीं तो मैं मर सकता हूँ, बचाओ किसी को, कोई लेके आओ। सो गाइस, मैं मेरे दोस्त का हेल्प कर नहीं पाया तो क्या हुआ, मैं इस फॉक्स का से हेल्प कर दूंगा। सो गाइस, सामने तो एक खतरनाक टाइप का घर दिख रहा है गाइस, यहाँ पे लगता है कोई बंदे बंदे होंगे भाई, कोई इंसान विंसान है? हेलो, कोई है यहाँ पे भाई? यहाँ पे कोई है? एक मिनट भाई, कोई हेल्प कर दो ना, एक मिनट भाई, मेरा दोस्त का हालत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ प्लीज, मेरा हेल्प कर दो। क्या हुआ रे? तू तो एक छोटा सा नन्ना सा टाइगर है, तुझे क्या हेल्प चाहिए? अरे मेरे एक दोस्त को बहुत जोर से चोट लग गया, उसका पैर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, प्लीज प्लीज जाकर उनका हेल्प कर दो, फटाफट मैं आपको लेके चलता हूँ। अरे बेटे फटाफट चल, तू बट इतने ठंड में मौसम में यहाँ पे कर क्या रहा है, फटाफट चल तेरे दोस्त के पास। हाँ मैडम, फटाफट मेरा पीछा करो, नहीं तो उसको कुछ भी हो सकता है। गाइस, लगता है उस फॉक्स का हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे फटाफट उसका हेल्प करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अरे वो रहा कहाँ पे क्या फॉक्स? अरे कहाँ पे, फटाफट आओ, उनका हालत बहुत ज्यादा खराब है। अरे मैं आ रहा हूँ, रुकना, पांच मिनट टाइम तो दे। अरे ये लो, ये रहा फॉक्स। अरे फॉक्स जी, आप चिंता मत करो, आपको अभी ठीक कर देगा, मैंने एक इंसान का हेल्प लेके आया है, वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है। अरे यही है क्या फॉक्स? हाँ यही है। अरे इसके तो पैर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा दर्द में, अरे मुझे लग रहा है वही करना पड़ेगा। अरे थोड़ा दर्द होगा, चिंता मत करो। कोई बात नहीं, तुम पहले मेरा हेल्प करो। थोड़ा दर्द होगा। अरे भाई ये तो दर्द के मारे बहुत जोर से चीख रहा है। ओ थोड़ा दर्द होगा, अभी ठीक हो जाएगा। अरे गाइस, आप फटाक से एक बार कमेंट कर दो फॉक्स, ओके ओके कमेंट कर दो फॉक्स, अब कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। हाँ लग रहा है, जल्दी से कमेंट करो गाइस। चलो गाइस, फटाफट एक बार जाके ओके कमेंट कर दो, नहीं तो गाइस बहुत ज्यादा दर्द होगा फॉक्स को। भाई ये तो बहुत ज्यादा चीख रहे हैं, लगता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उनको। गाइस फटाफट जो भी अभी कमेंट करने में बाकी है फटाफट कमेंट करो, नहीं तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उनका। अभी ठीक है। चलो गाइस, भाई इस बंदे ने तो इनको बचा भाई, इनको तो ठीक कर दिया पूरा। अभी कुछ टाइम बाद ही ये पहले जैसा पूरा ताकतवर हो जाएंगे, चिंता मत करो। और नन्हे टाइगर, तुम बहुत अच्छे टाइगर हो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे भी मेरा काम ही करना पड़ेगा। हाँ आज जाके अंडा गाड़ी खाएंगे। सो गाइस फाइनली, अरे यार ये तो फॉक्स भाई ठीक हो गए, बट इसके पैर में क्या ही हो रहा है सब भाई, तो धुआं धुआं क्या निकल रहा है। ए पुत्र, मैं असल में एक फॉक्स नहीं हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ले, मैं तुझे खतरनाक टाइप का पावर देता हूँ, उससे तू तेरा फ्रेंड का हेल्प कर सकता है। मेरे फ्रेंड के बारे में मैंने तो बताया नहीं, आप कैसे जानते हो? मुझे ज्यादा टाइम नहीं है भाई। एक मिनट, हो क्या रहा है मेरे ऊपर? भाई मेरे ऊपर भी पर्पल कलर का क्या धुआं हो रहा है भाई साहब, लगता है। एक मिनट भाई, क्या हो रहा है मेरे ऊपर भाई, कब बंद होगा? एक मिनट गाइस, फाइनली एक भाई में क्या बड़ा बन गया हूं पहले से, लगता है गाइस वो वही फॉक्स है जिस फॉक्स की बारे में लाइन द लायन किंग बात कर रहे थे, मतलब वही फॉक्स जिसने बहुत टाइम पहले डायनासोर से लड़के बचाया था, वही फॉक्स गाइस आके अब मेरा मदद किया, मेरे को क्या खतरनाक टाइप का बड़ा बना दिया। अब तो गाइस मैं मेरे फ्रेंड का हेल्प कर पाऊंगा। सो गाइस गोलू का क्या हाल है मेरे को नहीं पता, अब तो गाइस भेड़िया लोग से मैं बहुत ज्यादा गंदरा बदला लूंगा और मेरे दोस्त को भी बचा के ले आऊंगा। चलो गाइस फटाफट जाते हैं गोलू के पास। चलो गाइस, मैं तो उस फॉरेस्ट पे आ गया जहाँ पे भेड़िया लोग ने मेरा पीछा किया था, भाई मैं तो वहाँ पे आ गया। चलो गाइस एक मिनट गाइस, यहाँ पे तो कुछ भेड़िया है या भैंस या, चलो अरे ये कौन है रे, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया पहले से, ये तो वही टाइगर है। मेरे दोस्त को कहाँ पे छुपा के रख दिया, फटाफट बोलो, नहीं तो मैं चारों को एक ही मौके पे मार दूंगा। अरे अरे मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा, मत मारो मत मारो। आ सामने जो घर दिख रहा है उस घर में चले जाओ, घर में चले जाओ, तुम तुम्हारे दोस्त को मिल जाओगे। चुपचाप चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम हाँ इस बार के लिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, अगली बार किसी को सताया ना इतना जोर से रैप्ता मारूंगा। चलो गाइस मेरा दोस्त का लोकेशन मुझे मिल गया है, वो कहाँ पे है। सो गाइस वो घर में अभी तक लगता है छुप के बैठा है, आई थिंक गाइस उसके साथ कोई गंदा ना सीन हो जाए। चलो गाइस फटाफट घर के अंदर जाते हैं, भाई क्या होता है देखता हूँ। अरे गोलू तू कहाँ पे है? अरे मेरे को बचाओ, मेरे को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं किया तुम लोगों का। हाँ मेरे को छोड़ दो, मेरा दोस्त आएंगे। हाँ मेरे को छोड़ दो, मैं रो दूंगा, मेरे बंदे मेरे को ढूंढ रहे, छोड़ दो मेरे को। ए तुमसे सारे बिद्दे इतना काय वेट कर रहे, लेना
एक मिनट, ये तो गोलू का आवाज है, मैंने तो उसका पास सुना। अरे गोलू लगता है इसके अंदर है। आप बैंस के, तुम हट जाओ यहाँ से। भाई तुमने उसको टच कैसे किया, मेरा दोस्त है बैंस की, तुम यहाँ से हट जाओ। अरे भाग भाग भाग। अरे तू फटाफट पीठ पे बैठ गया ना। हाँ बैठ गया हूँ। भाग भाग, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, फटाफट यहाँ से हट जाओ। सो भाई मैं फाइनली भेड़िया के चंगुल से मेरे दोस्त को बचा लिया। भाई फटाफट यहाँ से निकल दे। अरे तू इतना लेट क्यों किया, मैं डर के मारे भाई, मेरे लगते मर गई थी, ऐसे डर गया था। अरे तू चिंता मत कर, तेरा दोस्त अभी भी जिंदा है। हाँ तू ऐसे बड़ा कैसे बन गया? अरे लंबी कहानी है, मैं तेरे को बता दूंगा। अरे मेरे व्यूअर्स लोग सबको पता है मैं कैसे एक खतरनाक टाइप का टाइगर में बदल गया। बताना मेरे को। एक मिनट गाइस, लायन किंग अभी भी यही है। अरे लायन किंग, सिम्बा ने मेरे को बचा लिया। अरे इस बार तो बच गया, अगली बार मैं मेरे राजा को बुला के उन सबको खत्म कर दूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगली पार्ट में मेरा राजा आएगा और सारे एनिमल को मारेगा। मैं तो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा बन गया हूँ। अरे लायन किंग, अरे लायन किंग देखो मैं बड़ा बन गया हूँ। आ बेटा मुझे बताया तुम कर पाओगे, तुम तुम्हारे दोस्त को बचा पाओगे, तुम इतना कैसे बड़ा कैसे बन गए हो तो पहले बोलो, मैं तो देख के एकदम चौंक गया। अरे यार बताना तू कैसे इतना खतरनाक टाइप का बड़ा बन गया, प्लीज प्लीज बताना। अरे यार बताना यार, मेरे को सुनना यार, मेरे को बताना, मैं भी बनूंगा एकदम बड़ा। भाई ये सब पूछ रहे मैं कैसे बड़ा टाइप का टाइगर में कन्वर्ट हो गया। चलो गाइस मैं तो, सो गाइस मैं ये बात इन सबको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, इसलिए गाइस आपको नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना पड़ेगा, पार्ट 2 कमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस एक बहुत ज्यादा खतरनाक सीन होगा, मैं सबको बताऊंगा मैं सिक्स टेल फॉक्स से मिला, उसने मेरे को किया है एक खतरनाक टाइप का अपग्रेड। सो गाइस इसके लिए आपको पार्ट 2 कमेंट करना पड़ेगा। सो आपको वीडियो चला तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो भाई यहाँ से सब्सक्राइब कर दो। भाई आप सब्सक्राइब नहीं करते, फटाक से एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।